अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब इलेक्ट्रिक हैक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको हायर स्पिनर मोटर का वाइंडिंग डाटा बताऊंगा। तो गाइस, ये 24 स्लॉट मोटर है और इसका जो कोर साइज है वो है 2 cm। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इंटरफेस इसका जो इस पर मोनोग्राम दिया गया है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका डाटा। तो डाटा जो सबसे पहले हमने रनिंग वायर इस्तेमाल किया डाटा में, तो रनिंग हमने 30 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है, 1 से 4 और 1 से 6 पिच इसकी रखी गई है। 1 से 4 पिच पे दिए हैं 150 टन और 1 से 6 पिच पे हमने दिए हैं 230 टन। तो 1 से 6 पे हमने 230 दिए हैं और 1 से 4 पे 150। तो गाइस, इसकी जो स्लॉट्स होती हैं कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं, मतलब जो बड़ी हैं वो 8 हैं और जो छोटी हैं वो 16 हैं। तो इसे इस तरह से बनाया गया है कि ताकि जो बड़ी स्लॉट में जो हमारा क्रॉस सेट डलता है ना रनिंग सेटिंग का, तो वो डले। तो वो बड़ी स्लॉट में हमने वो डला है, 150 टन्स उस पे दी थी और 230 इस पे दी थी। और अब आपको मैं बताता हूँ स्टार्टिंग का वाइंडिंग डाटा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग डाटा में हमने जो वायर नंबर इस्तेमाल की है वो है 31 कॉपर वायर, 31 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है और इस भी 1 से 4 और 1 से 6 पिच रखी गई है। 1 से 4 पिच पे 150 टन ही दी गई हैं और 1 से 6 पिच पे इसमें 240 टन दी गई हैं। और कनेक्शन इसके सीरीज होते हैं, 1 से 3 कनेक्शन, मतलब एक छोटा सिरा वायर आता है उससे आगे बड़े से बड़ा, फिर उससे आगे छोटे से छोटा, फिर उससे आगे बड़े से बड़ा। तो सीरीज कनेक्शन सिंपल कनेक्शन है। तो और वज़न की अगर बात की जाए तो वज़न इसमें आपका तकरीबन 400 ग्राम वज़न डाल जाता है, 200 ग्राम आपके पास दोनों वायर होनी चाहिए। तो ये जो लगा हुआ था ये जेन्युइन इसकी हीट सिंक मतलब लगी हुई थी, ये जब ज़्यादा मोटर हीट होगी तो ये ट्रिप करा देगा इसको। तो ये इसके साथ तो जेन्युइन लगी हुई थी, तो हमने इसे दोबारा से लगा दी है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये हम इसकी चला रहे हैं और ये इसका 5 UF का कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो अभी मैं इसका आपको लोड टेस्ट करवा देता हूँ। ये देखें 0.7 लोड आ रहा है इसका,